वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस आज हम आ चुके हैं पार्ट सिक्स में। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि आपने अगर पार्ट फाइव देखा तो उसमें देखा होगा कि बाबा जी ने जैसे हमें बोला था कि आपको वहां पर उस खेत में जाना है और जहां पर वो इबलिस रहता है, जहां पर उन दो कपल्स की जो है फांसी खाकर जो उन्होंने आत्महत्या की थी या इबलिस ने उन्हें मारा था, वहां से जाकर आपको मिट्टी लेकर आना है। जैसा कि गाइज आपने पार्ट फोर देखा था उसमें हमने उस घर को मुक्त करवा दिया था उस 27,000 जो वहाँ पर बलाएं थी उससे। लेकिन उस 27,000 बलाओं को एक राई के जो पैकेट होता उसमें बाबा जी ने जो है या मतलब बाबा जी की दुआ से हमने उसको कैद कर लिया था। लेकिन उस 27,000 बलाओं को हमें फिर से उस खेत के अंदर जाकर दफनाना था। तो जैसा कि हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जैसा कि मुझे पता था कि वहाँ पर अगर हम रात में जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और हम पिंटू भाई को भी साथ में लेकर नहीं गए थे, इसी का रीज़न भी यही था कि हमें पता था वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगी। हम लोग बाबा जी के साये है हम पर और हम लोग इन सभी चीज़ों से जो है निकल आते हैं, या हमें खुदा ने ऊपर वाले ने वो इल्म दिया जिससे हम इन सारी मुसीबतों से निकल आते हैं या उन मुसीबतों का सामना कर पाते हैं। ये बाबा जी का बहुत बड़ा कर्म है और ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन जैसे जो शख्स होते हैं जैसे पिंटू भाई है जिनका वो खेत था, उनमें ये कुव्वत नहीं थी कि उन बलाओं की जो है अगर वो अटैक करते तो उनको सहन कर पाए, इसलिए हम लेकर नहीं गए। लेकिन हमने फिर भी डिसाइड किया कि हम जो वहाँ पर जाएंगे सुबह मतलब शाम के टाइम हम गए थे तो हमने सोचा था कि डे में अगर जाएंगे तो शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे साथ। लेकिन डे में जाने के बावजूद जैसे ही हमने उस राई को वहाँ पर दफनाया तो वहाँ पर मोनू पर जो है अटैक हुआ। मोनू पर जैसे वो जो भी बला थी या वहाँ पर कोई भी बला थी क्या थी वो हमें नहीं पता, उस बला ने मोनू पर अटैक किया और उसने मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे तैसे हम वहाँ से मिट्टी लेकर आ गए तो ये रही वो मिट्टी, मैम भाई मिट्टी ये रही वो मिट्टी इसके अंदर। मोनू भाई जब बाबा जी आए तो वो मिट्टी इनको बाबा जी को बताना, तो ये वो मिट्टी है जहाँ उस जो वो खौफनाक पेड़ है वहाँ से हम मिट्टी को लेकर आए और राही को हमने वहीं दफना दिया। अब गाइस हम बाबा जी से ये पूछेंगे, मोनू भाई आपको ये पूछा कि बाबा जी आपने जैसा बोला था वैसा करा और अपने साथ जो हुआ था वो अपने को बाबा जी को बताना। और मनु बाबा जी को ये भी पूछना कि वो जो गांव है उस गांव का नाम क्या है, ठीक है? और क्योंकि बाबा जी ने बोला गांव का, लेकिन गांव का नाम बताया नहीं, तो बाबा जी को पूछना कि बाबा जी उस गांव का आप नाम भी बताओ ताकि हम उस गांव तक पहुंचे। क्योंकि जैसे बाबा जी ने बताया कि वहां पर कुछ डोलियां जो है पहले जमाने या अभी जो भी शादी होती तो जो औरतें होती वो वहां पर जाकर मर जाती, ऐसा कुछ मसला है तो वो भी पूछना, ठीक है जी? तो अब रेडी है, ये सब आपको अच्छे से पूछना फिर आपको हमें बताना है, ठीक है? तो चलिए अब जो हम बाबा जी को बुलाने की कोशिश करते हैं। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो आप हमारे शरीर में आने की कोशिश कीजिए, हमें आपसे कुछ मसले में बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो आप हमारे शरीर में आने की कोशिश कीजिए, हमें आपसे किसी मसले में बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो मेरे शरीर में आने की कोशिश कीजिए। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आइए मेरे आका, तशरीफ रखिए। जी आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म। यहाँ पर कुछ नापाक चीज पड़ी है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। जी बाबा जी, किसी ने चमड़ा यहाँ पर पहन रखा है। अमन, हाँ वो हो रहे हो रहा बेल्ट है कुछ को। जी बाबा जी, बार बार डाल दिया। इन चीजों का ध्यान रखा करो। जी बाबा जी बिल्कुल, इन चीजों से हमें परेशानी होती है। आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी बाबा जी बिल्कुल। जी आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। इजाजत है, इजाजत है। आज का मसला पेश किया जाए। जी बाबा जी, जैसे कि आपने बोला था वो वहाँ पे राई को दफनाने के लिए बाबा जी, तो मैं और शराफत भैया हम गए थे दोनों वहाँ पे राई को दफनाने के लिए। जैसे कि उस पेड़ के पास हम गए और हमने दो मतलब खड्डा खोदने की कोशिश की, तो हम खड्डे खोदते खोदते अचानक मेरे हाथ में ऐसा कुछ पेन हुआ और मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर शराफत भैया ने खड्डा खोदना स्टार्ट किया, तो शराफत भैया के साथ भी वही सीन हुआ। फिर से हम दोनों ने खड्डा खोदना स्टार्ट किया, तो मेरे ऐसा लगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को कोई जैसे पीछे से लात मारना, अचानक मेरे साथ क्या पता क्या हो गया, मैं गिर गया। मुझे मैं वीडियो में देखा, जैसे कि मैंने पूरा वीडियो देखा, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये सब कुछ हादसा हो गया। फिर कुछ समझ में नहीं आया। उस मिट्टी को मेरे हाथ में दे। जी बाबा जी, ये लीजिए। आका, देखिए इस नामकुल की जी मेरे आका, जी आका, हुक्म मेरे आका। जाइए चपेटे वाले बाबा, उस इब्लीस को यहां पर हाजिर कर दीजिए, बहुत हो गया उसका। आज उसको यहां पर आकर सारे राज खुलने होंगे, क्योंकि जिस तरह से इस मिट्टी से जो बदबू आ रही है उससे लगता है वहां पर गंदा इल्म बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये इब्लीस उस डोली ले जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा नामकुली कर रहा है वो। बिल्कुल, चाहिए घसीटते हुए उसको लेकर आइए। चाहिए इस मिट्टी को मुझे दो, पहले इससे अच्छे से जांच लो और परख लो, ताकि तुम किसी दूसरे इब्लीस को लेकर ना आ जाओ। अब जाकर उसे घसीटते हुए लेकर आओ। चाहिए जी आका, आज अगर आप हमें इजाजत दो तो उस इब्लीस की हम खाल उतरते। आका, आपका कहना सही है, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब जो वो कर रहा है वो बहुत गलत है। जी आका, जी आका, हुक्म की तामील होगी। मारो इसको, इसको
बांध दो पहले तो चपेटे वाले बाबा, इन दो मोकिलों के साथ इसकी लगाओ चपेटे और तेज मारो इसको जब तक ये एक एक चीज का सच नहीं उगल लेता, तब तक मारो इसे, मारो। क्या चाहता है तू अब बता, शरीर में आकर बताना चाहेगा तू, इसके शरीर में आ। आजा बता तो वहां से उस जमीन को छोड़ दिया या नहीं, बता। छोड़ दो इसे, मत मारो, छोड़ दो चपेट दे बाबा, बता। सबसे पहले मुझे ये बता, इतना आक्रोश करने की जरूरत नहीं तुझे, तू किसके सामने बैठा है ये देख। चपेटे वाले बाबा नहीं मान रहा तो और चपेटे लगाओ इसके, लगाओ चपेटे इसके, ऐसे नहीं मानेगा ये, मारो खिले डाल दो इसके अंदर, डालो खिले, खिले डालो, छोड़ दो इसे, बता। अब मुझे ये बता कि उस गांव में तू कब से उस गांव को परेशान करा रहा है, और उस डोलिए को जो तू तेरी वजह से वो लड़कियां मर रही है उन सबको करना छोड़ रहा है, या तुझे अभी जिंदा जला दूं। तू ये बता कि वहां से छोड़ने का तू क्या लेगा, या तुझे कुछ बलि क्या मुक्ति चाहिए ही तुझे? मैं जिसे प्यार करता था उसे बेच कर जाए, उसे मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे मारना चाहता हूं, वो तुझे नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं मिलेगी, उसके अलावा तेरी जो इच्छा वो बता, वरना तुझे अभी जिंदा जला दूंगा यहाँ पर। मुझे बहुत चाहिए, तू मुझे नहीं जानता, मेरे आका को नहीं जानता, इतनी मजाल कि तू वहां पर सबको मारेगा, तेरी इतनी औकात, इतनी औकात, तू मेरे सामने जबान लड़ा रहा, तू मेरे सामने जबान लड़ा रहा, मुझे आका हुक्म की तामील होगी, मुझे आका आका थोड़ा मांगे तो, ये मेरा जलाल को नहीं जानता, मारने दो इसे और मारो आका, आज आप मुझे नहीं रोकोगे, इसके बेगुनाह और बेसहारा लोगों का सहारा छीना है, सीधा रह खड़ा हो जा, छोड़ो इसे, खड़ा हो, खड़ा हो, छोड़ इसके शरीर को, छोड़, खड़ा हो जा, खलील बाबा, खलील बाबा है नाम मेरा, उसने हमारे जलाल को अभी तक नहीं देखा है, उसको हम बताएंगे कि हम क्या चीज है, आका अगर वो इबलीस आपके कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया, वरना आप जानते हो मेरे जलाल को, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इस बच्चे के शरीर में अगर ज्यादा देर रहता वो तो इस बच्चे की जान भी जा सकती थी, इसलिए मुझे उसे निकालना पड़ा आका, लेकिन अब जी आका
हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, बहुत ही खतरनाक और काली बलाओं से गिरा हुआ है वो इब्लीस। इस बच्चे का शरीर इसे ज्यादा देर तक नहीं सहन कर सकता था, लेकिन उस इब्लीस को फिर से उसकी पावर को, उसकी ताकत को खत्म करना होगा पहले, तभी कहीं जाकर उसे चलाया जा सकता है। अब तुम्हें ये करना है जी बाबा जी, जिया का बताइए क्या करना होगा। जिया का, जिया का, हुक्म मेरे आका, हुक्म की तामील होगी। अब तुम्हें उस गांव में जाना होगा। उस गांव का नाम क्या बाबा जी? उस गांव का नाम तुम्हें इस बच्चे को सपने में बताएंगे मेरे आका जी बाबा जी। उस गांव का नाम तुम्हें कहीं पर नहीं बताना है जी बाबा जी, बिल्कुल। उस गांव का नाम सिर्फ तुम तक ही रहना चाहिए जी बाबा जी, बिल्कुल। उस गांव में जाना है जी बाबा जी, और उस गांव से मिट्टी लेकर आना है जी बाबा जी, क्योंकि पूरे गांव में उस इब्लीस ने अपनी गंदगी फैला रखी है जी बाबा जी, बिल्कुल। इस खेत को इस इब्लीस से मैंने आजाद कर दिया है, बलाओं से आजाद कर दिया है, बिल्कुल। लेकिन अब उस गांव का नंबर है, उस गांव की मिट्टी लेकर आना तुम, और उस गांव में एक प्याऊ होगा जी बाबा जी। उस प्याऊ से या तो उस पानी को लेकर आना जी, या वहां पर उस प्याऊ की मिट्टी लेकर आ जाना जी बाबा जी, जो तुम्हें ठीक लगे वो लेकर आना। उस पानी और उस गांव की मिट्टी से उस सारी बलाओं को हम यहां बुलाएंगे, और वो सारी बलाएं मिलकर उस इब्लीस को खत्म करेगी। हम उसे इतना मजबूर कर देंगे कि वो सारी बलाएं जो इसके कैद में है इब्लीस के, उन्हें वहां से आजाद करना होगा। फिर वही बलाएं सारी उस इब्लीस को खत्म करेगी, और वो गांव उस इब्लीस से खत्म होगा। जैसे जैसे उसकी ताकतें खत्म होगी, वैसे वैसे उसकी मौत नजदीक है। हमने उसकी 27,000 बलाओं को मार डाला है जी बाबा जी, और अब उसकी बलाएं बची उस गांव में। उस गांव से सारी बलाएं को मारना होगा और उसके खिलाफ करना होगा जी बाबा जी। वही बलाएं उस इब्लीस की जान लेगी जी बाबा जी। तो अब तुम्हें उस गांव में जाना है, वहां से उस गांव का पानी और मिट्टी लेकर आना जी बाबा जी, बिल्कुल। जिया का मैंने बताया। और बाबा जी, इस खेत से जो भी पिंटू भाई का जो खेत था, उस वहां से ये इब्लीस चला गया। वहां से उस इब्लीस कि जो ताकतें थी वो खत्म हो चुकी है जी बाबा जी। जो दो वो बच्चे भटक रहे थे वो खत्म हो चुके हैं जी बाबा जी। लेकिन इब्लीस की मौत नहीं हुई है, इब्लीस अभी भी ताकतवर है। इस बच्चे की हालत नहीं देखी तुमने? देखी बाबा जी, 15 मिनट में इस बच्चे की हालत क्या कर दी उसने। अगर हम उसे जाने को नहीं बोलते तो उसके शरीर को फाड़ देता, तबाह कर देता, बिल्कुल बाबा जी। अभी भी अब तुम्हें उस गांव में जाकर उस पानी और मिट्टी को लेकर आना है, तभी हम उस इब्लीस को खत्म कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज का एक दायरा कड़ा होता है, उस दायरे कड़े में रहकर हमें काम करना होता है जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। और उस इब्लीस की मौत उन सारी बलाओं के जरिए ही होगी, बिल्कुल बाबा जी। तो जैसा मैंने तुझे बोला है वैसा ही तुझे करना है। उस गांव का नाम आप, उस गांव का नाम मेरे आका इसके सपने में आकर बताएगा जी बाबा जी, बिल्कुल। लेकिन उस गांव का नाम को रुसवा नहीं करना है तुम्हें जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। गांव का नाम हम किसी को सोए नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे हम जी आका। अब हमारे आका को इजाजत दीजिए, इजाजत है आका जी, इजाजत है आका। अब आप हमें भी इजाजत दीजिए, इजाजत है आका जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। हो गया गरम ही, वो भी गरम ही। बाबा जी को जो अपने साथ हुआ था वहां पे, बाबा जी को सारी चीजें बताई,
और इबलीस को भी बाबा जी ने बुलाया था इमरान भाई के शरीर में। अभी इमरान भाई इमरान के शरीर में इबलीस को बुलाया था। हाँ फिर क्या हुआ? फिर इबलीस को बोला जो भी बात बाबा जी ने की, और इबलीस ने बहुत सी गंदी हरकतें भी की है ऐसी। और फिर बाबा जी ने जहाँ से वो जो खेत था पिंटू भाई का, वहाँ से जो भी उनकी ताकत है सारी खत्म कर दी है। ये वो खेत वो पूरी तरह से उस इबलीस से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया है। पर वो जो उसका इबलीस की ताकत खत्म हुई है, इबलीस इबलीस अभी तक है। और उस गांव का क्या बोला? गांव का नाम सपने में आके बताएंगे आपके सपने में आएंगे, मेरे सपने में। और उस गांव का नाम सो नहीं करना है अभी, ना किसी को बताना, ना कोई बात। उस गांव में जाके ऐसा क्यों सपने में आएंगे और वो नाम सो नहीं करना पब्लिक, और वहां से जाके प्याऊ कोई एक प्याऊ बताइए। गांव में जब आप जाओगे तो वहां एक प्याऊ मिलेगी, वहां से मिट्टी और पानी लेकर। मिट्टी पानी का ही काम, कोई भी पानी लाना है या मिट्टी, गांव का पानी लाना है, गांव का पानी या मिट्टी लानी, दोनों में से एक प्याऊ का पानी लाना है। प्याऊ का जो प्याऊ है वहाँ पे बाबा जी ने जैसे बोला, गांव में आप एंट्री करो कि आसपास में कोई प्याऊ है, वहां से अपन को प्याऊ का पानी और ये मिट्टी दोनों लेके आना। अगर मिट्टी मिल जाए नहीं, जो अगर मिट्टी पानी हो तो पानी भी लेके आ सकते हो, मिट्टी होती दोनों में से एक चीज लेके आनी। और गांव का नाम आपको सपने में आके बताएंगे। और जो खेत है खेत से मुक्त हो गया, तो अपने पिंटू भाई को क्या पिंटू भाई जो खेत और घर जो वो मुक्त हो गया। ताकत उसकी खत्म हो गई है वहां से, जो वहाँ पे दो जोड़े घूम रहे थे वो उनका वो वहां से हट गए। सतेज जो भला थी वो सारी, वो भी आपने जो रही डाली थी उसका भी मसला सॉल्व, खेत का सबका मसला सॉल्व हो गया। बस अब मसला बचा है गांव का, क्योंकि गांव में बहुत ही ज्यादा उसने गंदगी फैला रखी है और बहुत ही ज्यादा वो कुछ कर रहा है। हाँ गाइज, मैं ऐसा होगा तो मैं वीडियो देख लूंगा पूरी तरह से अच्छे से, और फिर मैं पता कर लूंगा आखिर करना क्या है। तो गाइस चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। टिल देन वॉच योर लव यू।